तो हम लोग जो वीडियो में देखे करते थे वो हम लोग अपना आँख के सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं रंगीला फैमिली ब्लॉग के ओनर के पास, जिसमें हम लोग बहुत देखते थे, वीडियो में देखते थे, वो आज हम हकीकत में देख रहे हैं। चलिए आपको मिलाते हैं भैया से। अभी देखिए हम लोग वहाँ, यहाँ पर हर बार देखते होंगे आप वीडियो में, ये रंगीला फैमिली का ब्लॉग का मम्मी है, दे सकते हैं। यहाँ पर पानी आप लोग जो हमेशा देखते होंगे, यहीं पर पानी भरते हैं। तो गाय चलिए चलते हैं भैया का घर तरफ। तो अभी देखते हैं भैया घर में है या कि नहीं, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप फिलहाल ही देखे होंगे वीडियो में कि लगाए थे कलवट घर में किवाड़ी, और किवाड़ी देखिए भैया हैं, यहीं पर है, मिल गए आते आते। नमस्ते। तो अभी देखिए भैया हमको आते आते भैया मिल गए, भैया आज घर में है। तो भैया हम भैया से हम लोग मिल गए हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो, अभी वो देखे थे हम लोग कल ही देखे थे वीडियो को, कलवट घर में दरवाजे लगाए हैं, देख सकते हैं। अभी ऐसा वीडियो नहीं है कि फेंकने वाला वीडियो नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है हकीकत देख रहे हैं। जो वीडियो हम लोग देखते थे, वीडियो देखते हैं मोबाइल देखते हो, जो हम लोग हकीकत देख रहे हैं सामने, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि भैया से मिल पाएंगे, लेकिन मिल गए हैं। बहुत अच्छा बात है कि हम लोग भैया से मिले, और भैया से चलिए बात करते हैं कुछ कुछ। भैया जी और कुछ दिखाइए आप लोग। हाँ ये है कलवट घर, ये दरवाज़ा तो आप लोग देख ही लिए। हाँ देख ही लिए दरवाज़ा, दरवाज़ा लग गया है। हाँ वही थोड़े से चलिए, पहले जहाँ से पानी सप्लाई करते हैं वो चलिए। हाँ स्विमिंग पूल, हाँ कुआँ, हाँ वही वो ट्रेंडिंग देखे थे, वही सब मस्त चल रहा था, तो इसको चलिए देखते हैं। चलिए चल चलते हैं, चलिए चलिए आइए भैया। देखिए दोस्तों भैया हम लोग के लिए मिल गए, बहुत अच्छा की बात है। अभी चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ, और हम लोग के साथ हम लोग के दोस्त लोग भी आए हैं। तो अभी चलिए हम चलते हैं भैया के साथ में स्विमिंग पूल की तरफ। दोस्तों वही तरफ चलते हैं, वेत्र स्विमिंग पूल की तरफ। चलिए आज मौसम भी पूरा बहुत अच्छा है, पूरा मौसम को ठंड ठंड लग रहा है, लेकिन हम लोग आ गए, पूरा मौसम पूरा साफ किया, अभी पूरा साफ कर दिया है। सुबह में इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था ना, हाँ बारिश से एकदम आदमी परेशान परेशान है। हाँ अभी भी हल्का हल्का छूटा हुआ, अभी भी साफ किया है। चलिए दोस्तों स्विमिंग पूल में जाकर मिलते हैं। दोस्तों हम लोग स्विमिंग पूल पहुंच ही गए हैं, देखिए भैया लेके हम लोग आ गए हैं। और देखिए भैया तो बताइए कुछ कुछ यहाँ पर जानकारी हम लोग को, क्योंकि हम लोग तो वीडियो में देखे करते थे, वो सामने देख रहे हैं। तो भैया देखिए यहाँ पानी नहीं सूख रहा है, यही है कुआँ। हाँ यहाँ पानी नहीं सूखता है, पानी नहीं सूखता है ना, और यहाँ पीने के लिए ना सालों भर रह जाता है, और यहीं से पानी आप सप्लाई करते हैं, यहीं से घर चला जाता है पानी, यही लगा हुआ है उधर, उधर लगा हुआ मोटर, भैया बोल रहे थे मोटर लगा हुआ है, यहीं से सप्लाई होता है पानी, यहीं से उधर बनाया गया है स्विमिंग पूल जो है नहाने के लिए। ऊपर हाँ। में मतलब बारिश होगा वहीं पर स्टॉक होता है पानी ना। हाँ बारिश वाला पानी जब पहाड़ झरकता है ना, उसमें वो पानी गरक वाला पानी वहाँ पर घुसता है, और उससे मतलब क्या होता है कि हमारा कुआँ भी डैमेज नहीं होता है। जितना भी बाढ़ का पानी रहता है ना, जो पूरा स्पीड से पहाड़ वाला उतरता है, वहीं पर ब्रेक हो जाता है, उसके बाद में आराम से नीचे उतरता है, तो हमारा कुआं भी डैमेज नहीं होता है, इसीलिए उसको बनाए हुए हैं। वहाँ पर नहाने धोने के लिए भी पूरा एकदम बढ़िया सुविधा होता है। दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये कुआं ईंटों से बांधा हुआ है, चारों कोना आप देख सकते हैं, मतलब गोल टाइप से बांधा गया है ईंटों से। हम लोग घर तो भैया पत्थर से रहता है, लेकिन यहाँ पर ईंटों से बनाया है, हाँ ईंटा से ही बनाए हुए हैं, मतलब पत्थर से भी बांधा बांध सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना कि वो कभी भविष्य में सब पलट सकता है, इसीलिए हम लोग जो है सोचे कि ईंटा से ही इसको। कितना इसका गड्ढा होगा, इसका गड्ढा होगा करीब 10-15 हाथ है ये। हाँ देखिए 10-15 हाथ मारने के लिए भरपूर पानी आप दे सकते हैं, पूरा यहाँ पूरा लगातार बोला जाता है एक पुरसा होगा यहाँ पर पानी। हाँ देसी बोला जाए तो एक पुरसा यहाँ पानी होगा मिनिमम, यहाँ पर पानी पूरा अच्छा है, सप्लाई यहीं से पानी करते हैं, और भैया यहीं से पानी पीते हैं और जीवन चलाते हैं इसमें ही से। और अभी इसी से होता है, घर भी अभी बना रहे हैं भैया, तो इससे ही से ना। हाँ घर भी बन रहा है, घर भी यही पानी से, यही पानी बन रहा है, नहाना धोना फिर अपना सब यही पानी, यही पानी से, पीने उने का सारा पानी यही से जाता है, नहाना धोना सब यही पानी से होता है। और ये वीडियो हम लोग बहुत देखते थे, वीडियो में देखते थे, निकला आज हम लोग सामने देख रहे हैं। और भैया हम लोग के लिए कहाँ यार बता रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है कि हम लोग के लिए बहुत ही टाइम निकालते हुए बताया भैया हम लोग के लिए। तो दोस्तों हम लोग जो वीडियो में देख करते थे वो हकीकत आज देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है
कि जो चीज़ हम लोग वीडियो में देख करते थे वो आज हम लोग सामने देख रहे हैं, अपना आँख के सामने देख रहे हैं, तो विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन कहीं बोल सकते हैं बहुत ही दिन से रहा वेट कि वहाँ जाके हम लोग देखेंगे हकीकत है या नहीं। तो रियलिटी देखा जाए तो जो चीज़ हम लोग देख रहे थे वही चीज़ है। कभी कभी होता है कि वीडियो में एडिट होकर अलग होता है, लेकिन यहाँ कुछ एडिट किया नहीं जाता है, जो है रियलिटी भैया दिखाते हैं अपना वीडियो में, रियलिटी है हम लोग देख रहे हैं अपना अपना आँख के सामने। क्या भैया पर रियलिटी ये चीज़ यहाँ दिखाते हैं। तो देखिए हम लोग के दोस्त लोग भी आए हैं यहाँ पर वीडियो बनाते हुए, और हम लोग भी आए हैं साथ में। अभी ऊपर थोड़ा सा सीन दिखा सकते ऊपर को, यहाँ उधर जाने के लिए ऊपर हाँ अच्छा ऊपर भी देख ये लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर लगा हुआ है मोटर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कलेक्शन किया गया है तार का, यहीं से पानी सप्लाई होता है भैया का घर पहुँच जाता है। और यहाँ पर भैया बात बता रहे थे भैया यहाँ कि जो पानी वहाँ से ऊपर से अधिक पानी आता है तो उसी टाइम यहाँ स्टॉक करने के लिए यहाँ रखा गया, जिसमें भैया जी का कुआं में कुछ डैमेज न होने कारण इसको बनाया गया है, जिसमें पानी उधर से स्पीड आए तो यहाँ पर स्टॉक हो जाए, और धीमी गति से पानी वहाँ पर नीचे जाने कारण इसको बनाया गया है स्विमिंग पूल, क्योंकि वो कुआँ है, कुआँ में कुछ डैमेज न हो जाए उसी कारण, क्योंकि वहाँ पथरी क्षेत्र है, पानी अचानक आ जाएगा तो कुआँ को भी धसा मतलब तोड़ देगा। लेकिन इसमें अच्छा खासा यहाँ पर स्टोक करने के लिए, पानी स्टोक करने के लिए इसको बनाया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं भैया जी बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाए हैं। जो यह मिस्त्री का खेल है, जो अब भैया जी का जो को निर्देश देते हैं उसी यहाँ बताया गया है, जो चीज़ अब हम देखे थे वीडियो में वही चीज़ सेम है, कोई यहाँ एडिट किया नहीं गया है। तो यही मोटर है, ये पानी सप्लाई होता है। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ स्विमिंग पूल वीडियो दिखा दिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा भैया से मिला लेते हैं। तो भैया जी यहाँ पर हैं, मेरे चाय के माने कुछ बोल दीजिए भैया। तो दोस्तों जिस तरह से हम लोगों को सपोर्ट आशीर्वाद प्यार दुलार देते हैं, उसी तरह से इनके चैनल को भी दीजिएगा, क्योंकि भैया भी काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहेंगे। क्या भैया? ठीक है भैया। तो बस यही आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जिस तरह से हम लोगों को सपोर्ट आशीर्वाद प्यार दुलार देते आ रहे हैं, उसी तरह से इनके चैनल को भी दीजिएगा। अगर इनके चैनल में नए होंगे तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो इनका अगर अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि भैया को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल पाए और सपोर्ट मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर भैया मिलते रहें।